हमीरपुर जिला के भोरंज में निजी अस्पताल में चोरी प्रकरण का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। चोरी में चोरों ने 1,85,000 सहित एक लैपटॉप की चोरी की थी। पुलिस चोरी की घटना के बाद चोरी स्थल पर मौके पर पहुंचकर छानबीन करती रही। छानबीन की मुख्य सुई सीसीटीवी फुटेज पर टिकी हुई थी। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे पर चोरों को पुलिस खंगाल रही थी और तथ्यों के साथ साक्ष्य जुटाने में लगी थी। इसी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी प्रदीप कुमार 31 वर्षीय है और भोरंज का ही रहने वाला है। हमीरपुर एसपी रमन कुमार मीणा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसे मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया है। ये 3 दिसंबर को एक केस दर्ज हुआ भोरंज पुलिस थाने में, धारा 380-457 के तहत, जो कि बर्गलरी का केस था और आरोग्यम हॉस्पिटल में चोरी हुई थी, जिसमें 1,85,000 रुपये नकद और लैपटॉप चोरी गए थे। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक आरोपी प्रदीप कुमार उसे गिरफ्तार किया है और उसे लैपटॉप की बरामदगी हमने कर ली है। कल इसे अदालत में पेश किया गया 9 को पिछले कल, और इसे 12 तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। तो इस मामले में बाकी जो और चोरियां हैं उनसे हम रिलेट करके देख रहे हैं कि कहीं इसकी भागीदारी और मामलों में ना रही हो।